हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनके अंदर आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन फार्मूला ड्रग देखने के लिए मिलता है उसके बारे में जानेंगे, आखिरकार वो किस चीज़ में आपके काम आता है और आपको इस दवाई के जो डोजेज हैं किस तरीके से लेने चाहिए, मतलब सेवन किस तरीके से करना चाहिए। तो पूरी जानकारी इस दवाई के बारे में इसी वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ, इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास आज जो है वो है पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल्स हैं, जिसमें आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन फार्मूला ड्रग जिस भी नाम से आप इस दवाई को जानते हैं वो मिलती है, पेंटाप्राजोल गैस्ट्रोरेंसिन एंड डैम्पेरिडोन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। आपको ये दो ही दवाई देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, पेंटाप्राजोल और डैम्पेरिडोन। तो ये जो आपके वर्क करती हैं, ये करती हैं आपके गैस से होने वाली दिक्कत परेशानियों में आपके काम आती है, जैसे कि आपके पेट में चुभन होना, गले में जलन होना, सीने में जलन होना, खट्टी खट्टी डकारें आनी, मतलब कि जो भी आपके गैस से दिक्कत हो रही है आपके शरीर में, कहीं पर जैसे आपके गैस घुस जाती है कहीं पर शरीर में तो वहाँ दर्द होने लगता है, चुभन होने लगती है बहुत बुरी, तो उसमें आपके ये काम आएगी। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी हो रही होगी गैस से रिलेटेड, ये उन सब में आपके काम आ जाएगी और बहुत बढ़िया इस दवाई का रिजल्ट मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती है आपकी बॉडी में। और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 97 रुपीज़ की आपको एक स्ट्रिप मिलती है। आपको एक स्ट्रिप लेने की जरूरत नहीं है, आपके कम से कम 3-4 कैप्सूल्स में आपके जो गैस होगी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गैस बनती है तो आपको शायद एक स्ट्रिप की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो अब इसको हम खाने का तरीका जान लेते हैं, आखिरकार किस तरीके से इनको खाना चाहिए। तो इनको जो खाना है आपको वो सुबह, अगर आप सुबह खाते हैं तो आप सुबह इसको खाली पेट खा सकते हैं, बासी मुंह मतलब की, और अगर जैसे कि आप खाना खाने के बाद खाना चाहते हैं तो खाना खाने के कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद एक कैप्सूल आप ताज़े पानी के संग खा लीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि दूध के संग खाना है, किसी और पर्टिकुलर चीज़ के संग खाना है इसको, नहीं, आप इसको ईजिली खा सकते हैं पानी के संग, वो भी ताज़ा पानी के संग। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपके लिए किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोर हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए।